Hello and welcome to Prepp IAS. My name is Tushant Yadav and today I am going to cover a very important topic from science and technology. Ji haan, AMR, Antimicrobial Resistance and Superbug. Aaj iske upar pura explainer hoga bhai. To AMR kya hota hai, Superbug kya hota hai, pura scientific topic hai. Isko bahut hi easily terms mein hum padhenge, aapko maza aa jayega. To aaj hum kya padhne wale hain? आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्या कॉजेस हैं, क्या इंपैक्ट होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। इस टॉपिक को प्री एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पूरा कवर करेंगे। अगर 250 वर्ड्स में मेंस में लिखने के लिए आ गया तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और प्री में अगर कोई क्वेश्चन अपियर हो गया तो भी उसको आप आराम से कर पाओगे। तो इस पर्सपेक्टिव से इसको स्टार्ट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो एकदम बेस से उठाकर पूरा एडवांस तक चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड सुपरबग, भाई माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। पहले किसकी बात करें, माइक्रोब्स की बात करें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, वायरस हो सकता है, बिल्कुल वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, एंड प्रोटिस्ट या प्रोटोजुआ हो सकता है। तो चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आपको वायरल फीवर है, दैट मींस कि वायरस ने अटैक किया है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है, यानी ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से होता है, यानी वो बैक्टीरियल डिसीज है। तो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा उसी टाइप की डिसीज होगी आपको भाई। वायरस अगर वायरस अटैक करेगा तो वायरल डिसीज होगी, बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बैक्टीरियल डिसीज होगी। तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है। तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे, ठीक है। COVID-19, तो कोविड किससे हुआ है, वायरस से हुआ है। सार्स कोव टू नाम का एक वायरस है जिसने अटैक किया, तो इट्स अ वायरल डिसीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चार टाइप के हो गए, ये इनकी अटैक की वजह से कोई डिसीज होती है, आप ये समझ गए। तो अगर जिसकी वजह से जो डिसीज होगी उसके लिए वही मेडिसिन हमें लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बैक्टीरिया ने अटैक किया तो आप क्या लोगे, एंटीबायोटिक। समझो इस चीज को, बैक्टीरिया ने अटैक किया तो क्या लिया आपने, एंटीबायोटिक। फंगाई ने अटैक किया तो एंटी फंगल। वायरस ने अटैक किया तो एंटी वायरल। एंड प्रोटोजुआ ने किया तो एंटी प्रोटोजुअन मेडिसिन आप लोगे। तो जिस टाइप का बैक्टीरिया आपको, जिस टाइप का माइक्रोब आपको अटैक करेगा, उस टाइप का आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। यानी अगर बैक्टीरिया ने किया तो एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, या एंटीवायरल, या एंटी प्रोटोजुअन। तो दीज आर टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो अगर आपको वायरल हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उससे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वायरल फीवर है तो एंटीवायरल लेना पड़ेगा आपको। समझे कॉन्सेप्ट, समझे। आपको डिसीज क्यों होती है, किसी एक माइक्रोब की वजह से। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। उस वायरस को मारने के लिए हमें एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक करेंगे, फंगाई है तो एंटीफंगल, एंटीवायरस, एंटी प्रोटोजोआन। तो ये सब अगर माइक्रोब हैं, तो अगर इन सब के लिए दवा लेना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको। अरे भाई बायोटिक के लिए आपने एंटीबायोटिक कहा, तो अगर ये सारे माइक्रोब हैं इनके लिए कौन सी दवा होगी, एंटी माइक्रोबियल। समझे इस चीज को। अब ये AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर में मॉर्टिन है या आप ऑल आउट लगाते हैं, तो मच्छर जब पहले आते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों तक अगर वो मॉर्टिन चलता रहता है तो आपने देखा होगा मच्छर आपके अगल बगल ऐसे घूमते रहेंगे, वे 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 करते रहेंगे, और वो मरते नहीं है। वो क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ऑल आउट से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। अब वो उसको इंपैक्ट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से वो मर नहीं रहा है। समझे इस चीज को। तो उस मॉस्किटो ने ऑल आउट से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, इसकी वजह से उसकी बॉडी जो है अब उससे फाइट कर पा रही है और वो मर नहीं रही है। तो फिर क्या करें भाई, है ना। उसके लिए कुछ आपको और मेडिसिन बनानी पड़ेगी, या कुछ अलग तरह का ऑल आउट लाना पड़ेगा, कुछ और वैरायटी का लाना पड़ेगा जिससे उसकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की है, तब वो जाकर मरेगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ बीमारी हुई, अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया, आपने एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक अगर आपने लिया और वो बैक्टीरिया मर गया तो आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उस बैक्टीरिया ने कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया हो, जिसकी वजह से आपने एंटीबायोटिक लिया तो, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, तो आप फिर भी, आपकी हालत खराब है और आप सही नहीं हुए हैं। तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, उसने क्या डेवलप कर लिया है। अगर वो बैक्टीरिया है तो क्या डेवलप करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हमने एंटीबायोटिक दवा दी उसके ऊपर वो काम नहीं कर रही है, तो उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है।
ऐसी एंटी फंगल रेजिस्टेंस हो सकता है, एंटी वायरल रेजिस्टेंस हो सकता है, एंटी प्रोटोजोअन रेजिस्टेंस हो सकता है, ओवरऑल अगर मैं कहूं तो क्या डेवलप हो सकता है, एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। यानी कोई भी डिसीज होगी उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उस मेडिसिन से वो बैक्टीरिया वो माइक्रोब वो मर नहीं रहा है तो उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलिए भाई मैं ट्यूबरक्लोसिस का एग्जांपल लेता हूं, किस वजह से होता है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी जो पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पहला डिफेंस है, जो पहली बार जो दवा दी जाएगी वो क्या होगी, आइसोनाइजिड एंड रिफेमसी, ये दो दवाइयां दी जाएंगी। अगर आपने इसको प्रॉपर 6 से 9 महीने के लिए लिया तो आपके पास 100% चांसेस है कि ट्यूबरक्लोसिस से आप जीत जाएंगे, आप विजयी हो जाएंगे, आप एकदम हेल्दी हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है जो वो बैक्टीरिया हो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी आइसोनिजिड से एंड रिफेमसिन से उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया हो, उसकी वजह से ये दोनों दवाइयां देने पर उसको कुछ असर नहीं हो रहा है और वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा है, तो उसने क्या डेवलप कर लिया, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया। कैसा हो गया, वो ड्रग रेजिस्टेंस यानी उस ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, इसलिए ऐसे टीबी को क्या बोलेंगे, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और फर्स्ट लाइन से डेवलप किया यानी आइसोनाइजिड एंड रिफेमसिन से उसका कुछ काम नहीं बन रहा है, ये नाम वाम याद नहीं करने आपको, मैं केवल एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। ये पहला स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इससे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे टीबी को हम बोल रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR-TB। यानी पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमने उनको मेडिसिन दी, उससे पेशेंट को कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे टीबी को बोलते हैं हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या होगा भाई, इसके लिए हमको दोबारा कोई और दवा देनी पड़ेगी, तो हम सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेट्स से सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का नाम है फ्लोरोक्विनोकॉन्स अमिकासिन एंड कैनामाइसिन, ये तीन दवाइयां हम दे रहे हैं। क्या है, 2 साल के लिए दवाइयां लेनी पड़ेंगी, 2 साल से ज्यादा के लिए, और इफिशियंसी क्या है 60-70%, यानी चांसेस हैं कि 60-70% केसेस में वो पेशेंट सही हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वो सही हो जाता तो ठीक है, यानी उस बैक्टीरिया को आपने मार दिया, लेकिन अगर फिर भी उस बैक्टीरिया ने अगर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो ऐसे रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को बोलेंगे XDR, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीवी। एक्सटेंसिवली यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्लोरोफेमिफिन दे सकते हैं, एमीपेनम दे सकते हैं, लाइनाजोलिड दे सकते हैं, दवाइयों का नाम नहीं याद करना है आपको, मैं बता रहा हूं कि थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर का कोर्स होगा, 30-40% एफिशिएंसी होगी कि वो सही हो जाए व्यक्ति, ठीक है। और जैसे जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉक्सिक वो बहुत ज्यादा होगा, उसके साइड इफेक्ट होंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, हियरिंग लॉस हो जाएगा एटसेट्रा। कहने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने जो ट्यूबरक्लोसिस नाम की डिसीज की उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ दवाइयां दी गई तो उससे कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, तो उसको हमने बोला MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया भाई। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी वो भी काम नहीं कर रहा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने बोला XDR-TB एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया, हो सकता है थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी काम ना करे, अब उसके बाद हमारे पास कोई दवाई ही नहीं है, तो ऐसे टीबी को हम बोलेंगे टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यानी कोई भी ड्रग्स दे दो, कोई भी मेडिसिन दे दो, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इसे बोलेंगे टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। जब कोई भी दवा देने पर वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा है, वो माइक्रोब मर नहीं रहा है, तो ऐसे माइक्रोब को हम बोलेंगे सुपर बग। तो वो सुपर बग क्रिएट हो गया है, अब वो किसी चीज से मर नहीं रहा है, यानी आपकी मौत अब पक्की हो गई है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी दवाइयां नहीं है जिसको हम यूज करके हम उसको मार सकें, तो सुपर बग क्रिएट हो गया है। समझे कॉन्सेप्ट, समझे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, उस माइक्रोब ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है आप जो दवाइयां देते हैं उससे, तो हमने बोला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सुपर कब बन गया, जब कोई दवाई ही नहीं बची, कोई लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं बचा कि वो दवाई देकर हम उस पेशेंट को सही कर पाए, तो क्या क्रिएट हो गया, सुपर बग क्रिएट हो गया। समझे इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो एक बार चाइना में 2015 में एक न्यूज आई थी, आपको अगर ये फोटो दिख रही है, कोलेस्टीन नाम का एक हमारे पास ड्रग है,
ये लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जैसे बैंकों का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, आरबीआई। कोई भी लोन नहीं देगा बैंकों को तो आरबीआई लोन देता है। ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक दवा अगर काम नहीं कर रही है तो कोलिस्टीन दीजिए, वो जरूर काम करती थी। इसका साइड इफेक्ट क्या था कि लीवर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से इसका यूज लोग नहीं करते थे। इसकी वजह से अगर इस दवाइयों को देते थे तो वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। तो ये दवाई जो थी वो लेंडर थी लास्ट रिजॉर्ट की, यानी अगर लास्ट रिजॉर्ट में अगर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है तो कोलिस्टीन नाम की जो एंटीबायोटिक है ये जरूर काम करेगी। लेकिन चाइना से 2015 में ये खबर आई कि कोलिस्टीन नाम की ये दवा भी अब काम नहीं कर रही है। क्या भाई साहब, कोलिस्टीन नाम की दवा भी अब काम नहीं कर रही है, यानी उस बैक्टीरिया ने, अगर मैं कहूं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, उस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है कोलिस्टीन से भी। इसलिए क्या हो गया है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है कोलिस्टीन से, यानी हमारा आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस, आखिरी में हम इसको देते थे, अब ये भी खत्म हो गया, अब इससे भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है बैक्टीरिया ने। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड सुपर बग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं? तो भाई ऐसा क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, है ना? तो ऐसा क्या हो गया, चिल मारो यार, ये आदमी कह रहा है ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, एमआई डेवलप हो गया, सुपर बग हो गया, तो ऐसा क्या हो गया? अरे दिक्कत ये हो गई कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अब जो आपको बीमारी होगी वो बहुत समय तक होगी, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, इतने हॉस्पिटल तो है नहीं, वैसे भी हमारे पास डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो बहुत कम है, इतने डॉक्टर है नहीं जितने हमारे पास पेशेंट है, डेथ रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं बचेगा, वो सुपर बग बन गया तो फिर मरना आपका निश्चित है। उसकी वजह से हमारा एसिड जो है वो लॉस होगा, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं चिल मारो, ऐसा क्या हो गया, लेकिन बहुत कुछ हो गया, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो एज पर IACG इंटरनेशनल एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन AMR वो ऐसा कहता है कि 2050 तक 10 करोड़ लोग सालाना, एक साल में 10 करोड़ लोग मरेंगे ड्यू टू AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, 10 मिलियन पीपल विल डाई एनुअली बाई 2050 ड्यू टू AMR। ठीक है, उसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट तो बढ़ेगी और लोग जो पॉवर्टी में नहीं होंगे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, जो पॉवर्टी में पहले से हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। समझे इस चीज को, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे IACG कह रहा है IMR पे जिसको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस ने इसका गठन किया था। इसने एक बात और कही कि एनुअल लॉस ऑफ 3.8% ऑफ वर्ल्ड GDP, तो वर्ल्ड GDP का 3.8% हम एनुअली लॉस कर देंगे, एंड इससे क्या होगा, इट विल बी द डिफिकल्ट टू ट्रीट इवन द कॉमन इन्फेक्शन, तो हम कॉमन कोल्ड जैसा इन्फेक्शन भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, एंड इट कुड बिकम अ एपिडेमिक वर्स देन एड्स HIV, एंड उस समय तो कोविड नहीं था, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि COVID-19 भी इंक्लूड कर लीजिए, उससे भी वर्स बन सकता है अगर AMR डेवलप हो गया एंड सुपर बग डेवलप हो गया। समझे इस चीज़ को, तो बहुत कुछ हो जाएगा, इम्पैक्ट बहुत गहरा है। तो भाई फिर क्या करें, इम्पैक्ट इतना गहरा है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया आरोही? राहुल जयकर साहब कह रहे हैं क्या, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया आरोही है, अब क्या करें, सब खत्म ही हो गया, क्योंकि ये तो लेते थे उसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, तो अगर ऐसा सुपर बग क्रिएट हो जाएगा तो इनको तो मार ही डालेगा, तो आरोही से ऐसा कह रहे हैं। तो भाई ऐसा रोने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, हमको ये समझना चाहिए कि AMR क्यों डेवलप हुआ, क्या ऐसे कारण थे। तो हमको देखिए एनालिसिस करना है अब यहां पर कि कारण क्या थे, उन चैलेंजेस जो भी कॉजेस थे वो चैलेंजेस ही हैं एक्चुअली, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, यानी हमें ये देखना पड़ेगा किसकी वजह से AMR डेवलप हुआ और उसको रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या कॉजेस हैं, समझिए इस चीज को। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, पहला पॉइंट है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। आपको वायरल फीवर हुआ है, एंटीवायरल लेना है, पर एंटीबायोटिक आप लेके जा रहे हैं, आप खुद ही डॉक्टर बन गए हैं, दुकान वाले से कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक दे देना ये वाली, तो खुद के डॉक्टर आप खुद ही बन गए, तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, जहां पर एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है वहां पर भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बैक्टीरिया में, क्योंकि आपने इरेशनल यूज शुरू कर दिया, रैशनल यूज नहीं किया आपने, इरेशनल यूज शुरू कर दिया। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉट कंप्लीटिंग द फुल कोर्स। अब टीबी में अगर पहला लाइन ऑफ डिफेंस आप लेंगे 100% इफिशियंसी है कि 6 से 9 महीने में अगर आपने लगातार लिया तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 4 महीने में अच्छा फील करने लगते हैं कि हम तो ठीक हो रहे हैं, तो 4 महीने में कोर्स सोचते हैं कि कंप्लीट हो गया। इंडिया के लोगों की यही प्रॉब्लम है, वो सुनते नहीं है डॉक्टर्स की, अगर डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 से 9 महीने लेना ही लेना है, 4 महीने में हम फिट दिख रहे हैं तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कोर्स लेना बंद कर दिया, तो कंप्लीट ही नहीं किया कोर्स,
फिर वो बैक्टीरिया जो है वो फिर से जो थोड़ा सा कम हुआ था फिर से वो मल्टीप्लीकेट होके फिर से बढ़ गया, आपको फिर से उस पूरी डिसीज ने आपकी बॉडी के ऊपर नियंत्रण पा लिया। उससे क्या हुआ, अब वो जो आपने पहला लाइन ऑफ डिफेंस लिया था, अब आपने एंटीबायोटिक तो जब तक लेते रहे आप लेकिन 4 महीने तक ली, तो वो यूज्ड टू हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या करता है, समय के साथ इवॉल्व होता है। जैसे हम बंदर से इंसान बने हैं, ऐसे बैक्टीरिया ही अपने आप को जब रिप्रोडक्शन करता है तो अपने आप को एडवांस करता है। ठीक है, तो उसने एडवांस किया अपने आप को और उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, किससे, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस से। तो आप प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसको, और कंज्यूम कर तो रहे हैं लेकिन आप कभी कभी तो पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप अपना दिमाग ज्यादा चला रहे हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट बाई फार्मास इन इन्वायरमेंट, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पूरा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अपनी जितनी भी वो चीजें बना रहे हैं उसका पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद ही, उसको पूरा ट्रीट करने के बाद ही उस वेस्ट को बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही उस वेस्ट को डंप कर दे रहे हैं इन्वायरमेंट में, जिससे इन्वायरमेंट में जो और बैक्टीरिया हैं वो उससे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो जितनी भी एबिलिटी है, रेजिस्टेंस है, वो डेवलप कर ले रहे हैं वो जो वेस्ट है उससे भी। तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत खराब है, इसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। लैक ऑफ हाइजीन सैनिटेशन, अभी स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया, वरना लोग खुले खेतों में जा रहे थे, ओपन डेफिकेशन कर रहे थे, वो भी प्रॉब्लम की बात है। लैक ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, उस पर पूरा हमारा फोकस होना चाहिए। यूज ऑफ लाइफ स्टॉक्स एज ग्रोथ प्रोमोटर्स, अब मुर्गियां हैं, छोटी छोटी मुर्गियां हैं, उनको इंजेक्शन दे दिया ग्रोथ प्रोमोटर्स, इंजेक्शन में क्या होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, इतनी छोटी सी मुर्गी अगले दिन इतनी बड़ी मुर्गी हो गई, ताकि लोग क्या कर सकें, फिर उससे छोटी मुर्गी बेचेंगे तो कम उसका वो केजी में कम क्वांटिटी आएगा तो लोगों को कम रुपया मिलेगा। तो वो क्या चाहते हैं कि इंजेक्शन डालो, खूब बड़ा कर लो, उसके बाद उसको बेच दो। छोटी सी लौकी होती है आपके पास, उसको एक इंजेक्शन मारते हैं अगले दिन इतनी बड़ी लौकी होती है। तो कहने का मतलब क्या, वेजिटेबल्स हो गए या हम लाइफ स्टॉक्स की बात कर लें, तो ग्रोथ प्रोमोटर्स का यूज करते हैं और उसकी वजह से उनको खूब बड़ा करते हैं फिर बेचते हैं। तो भाई ऐसा क्या हो गया उसको बेचने से, देखिए आपने एंटीबायोटिक यूज किया, आपने मुर्गी में यूज किया, बफेलो में यूज किया, फिश में यूज किया, उससे क्या वो उनके अंदर आया वो एंटीबायोटिक, उसके बाद आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, जो भी खाया वो आपके अंदर आ गया, आपने चिकन मंगवाया वो आपके अंदर आ गया, उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी ने भी, आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया है उसने भी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, आपकी बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अगर आपको वो अब दिया जाएगा एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, वो ड्रग दिया जाएगा, अब वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो कोलिस्टीन जो मैंने आपको बताया था उसके केस में यही हुआ, चाइना में लोगों ने, अब जो भैंस को चारा खिलाते हैं उसमें भी कोलिस्टीन मिला दिया, मुर्गियों के खाने में कोलिस्टीन मिला दिया, उसे हम फॉडर बोलते हैं, उसमें अगर कोलिस्टीन आप मिला देंगे वो खाएंगे, वो खाएंगे क्यों, क्योंकि वो इतने अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनको माइक्रोब से बचाने के लिए वो लोग क्या दे रहे थे, उनको बैक्टीरिया से बचाने के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दे रहे थे। जैसे ये मुर्गियां और ये इतने कंजेशन में रहती हैं, इतने अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहती है जहां पर सैनिटेशन नहीं होता, तो इनको जल्दी डिसीज हो जाएगी, बैक्टीरिया ज्यादा अटैक कर देगा। तो इनको, इनके हेल्थ को बचाने के लिए, मुर्गियों के हेल्थ के बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, कोलेस्टीन खाने में मिला देते थे उनके, ताकि वो लोग एंटीबायोटिक लें ताकि वो बैक्टीरिया से लड़ सकें। देखिए दो चीजें होती हैं, थेरापीटिक मतलब कि आपको कुछ हो गया है डिसीज तब आपने मेडिसिन ली, उसे बोलते हैं हम थेरापीटिक यूज। एक होता नॉन थेरापीटिक यूज, यानी आपको कुछ हुआ नहीं है, आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया है, उन दवाइयों को लिया है। ऐसे ही तो इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्षमता दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक देते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एंटीबायोटिक होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। समझे इस चीज को, तो एक चीज ये हो गई, आपने ये समझा कि लाइफ स्टॉक्स में एक तो ग्रोथ प्रोमोटर्स का यूज करते हैं, ऊपर से उनको इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, तो उनके लिए उनकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, उनकी बॉडी बॉडी की ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम उनको अलग से एंटीबायोटिक भी देते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है पीपल लैक अवेयरनेस, तो पीपल, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो उसका मिसयूज बहुत हो रहा है, रॉन्गफुल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड इट्स इंप्लीकेशन, तो लोग समझ नहीं रहे हैं। एंटीवायरल में एंटीबायोटिक लेने का कोई मतलब नहीं है, पर लोग समझ नहीं रहे हैं। इनएडिक्वेट रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, तो दुकान वाले के पास जाओ, फार्मासिस्ट के पास जाओ, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाओ कि ये वाली एंटीबायोटिक दे दो, हमारे इंडिया में आराम से अवेलेबल हो जाती है, बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, बाहर के लोग पूरा प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तब आपको दवा देंगे, इंडिया में सब चलता है भाई, है ना। तो इस चीज को रोकने की बहुत जरूरत है, कहने का मतलब ये कारण है, अरे ये कारण है तो ये चैलेंजेस भी हैं, जो कारण है वही तो चैलेंजेस है, इन्हीं को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आरोही कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, इनको हमें, इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये आरोही का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको हंसाने के लिए लिया है, कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा आपको। चलिए,
तो इनके लिए हमें सॉल्यूशन लेना है। ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर 2015 बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर बनाया और इंडिया ने इसको देखकर हमारा नेशनल एक्शन प्लान बनाया एएमआर इन 2017। उसमें क्या कहा गया कि भैया अवेयरनेस जनरेट करेंगे, तो पब्लिक साथ में आए, गवर्नमेंट साथ में आए, कुछ एनजीओ साथ में आए, सब लोग साथ में बैठेंगे, कनेक्टिविटी बातें करेंगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे और अवेयरनेस जनरेट करेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि आपको जो चीज हो आप डॉक्टर के पास जाओ, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, फिर आप फार्मासिस्ट के पास जाओ, तब आप दवाइयां लो। ऐसे रैशनल यूज मत करो, रैशनल यूज करो, इसका इंपैक्ट बहुत खराब हो सकता है। ये चीजें हम समझाएंगे लोगों को, अवेयरनेस जनरेट करेंगे, सर्विलांस करेंगे। सर सेकंड चीज सर्विलांस, कि कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट दवा तो नहीं दे रहा है, तो सर्विलांस करेंगे, सही तरीके से सबको दवा मिल रही है, कुछ इरेशनल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका हम सर्विलांस करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया किसी दवाई के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम नई एंटीबायोटिक्स बना सके जो रेजिस्टेंस वाले माइक्रोब से भी लड़ सके। समझिए इस चीज को, तो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है किसी एक मेडिसिन से, तो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम नई एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाएंगे या एंटीबायोटिक ड्रग्स बनाएंगे। हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएंगे एंड रिस्ट्रिक्ट यूज, तो सही तरीके से इन ड्रग्स का यूज हो सके, इसके लिए हम स्टेप्स लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे ताकि ये जो चैलेंज है इसको हम सॉल्व कर सके, बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, भाई आईसीएमआर नाम के हमारे पास संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने क्या इनिशिएटिव लिया है, एएमआरएसएन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इन 2013। आपको दिख रहा है क्या, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, वन सेकेंड जस्ट, अब दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये आईसीएमआर का ये इनिशिएटिव है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इन 2013। उन्होंने कहा कि सभी हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे हॉस्पिटल्स का, हम पूरा सर्विलांस करेंगे ताकि एएमआर डेवलप ना होने पाए। दूसरी चीज, हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, रेड लाइन कैंपेन एंड शेड्यूल H1, ऐसे कुछ ड्रग्स होंगे जिसको हम रेड लाइन कैंपेन या शेड्यूल H1 में रखेंगे और उनको केवल बेचा जाएगा ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाएं बिल्कुल नहीं मिलेंगी जो शेड्यूल H1 में डाली जाएंगी। रेड लाइन का मतलब भाई ऐसी लाइन होगी, ऐसी उन मेडिसिन पे, ड्रग्स पे, उनको हम बोलेंगे रेड लाइन वाली ड्रग्स हैं और इनको शेड्यूल H1 में डालेंगे। शेड्यूल H1 में डालने से क्या होगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये सोल्ड नहीं होंगी, तो हम इन पर रेगुलेट कर सकें। ऐसे ही शेड्यूल X है, इसके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास, बड़े बड़े फार्मासिस्ट के पास ऐसा स्पेशल लाइसेंस होगा। ट्रिप्लिकेशन यानी प्रिस्क्रिप्शन का ट्रिप्लिकेशन होना चाहिए, यानी एक डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन होगा, एक पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन होगा, एक फार्मासिस्ट के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ताकि हम ट्रिप्लिकेशन कर सके, तीन प्रिस्क्रिप्शन इशू कर सके। यानी ये दो दवाइयां होंगी, ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाली दवाइयां होंगी जिनको हम शेड्यूल्ड एक्स में रखेंगे और इनके लिए हॉस्पिटल्स को स्पेशल लाइसेंस देंगे। और गवर्नमेंट ने एक फॉर्मुलेट किया नेशनल एक्शन प्लान टू फाइट एएमआर इन 2017, जो कि ग्लोबल एक्शन प्लान में एकदम उसके लिए उसको देखकर हमने बनाया है, जिसके बारे में आपको पिछला बताया। तो ये पूरा खेल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एंड सुपरबग का। आपको समझ आया या नहीं, तो सुपरबग कैसे क्रिएट हुआ है ना, वो क्या इंपैक्ट डाल सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन को इंक्रीज कर सकता है, तो उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार थे, उन कारण को समझा हमने, उससे हमने चैलेंजेस समझे, वही चैलेंजेस थे, उनको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स लिए और गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए। 250 वर्ड्स का आपका मटेरियल एकदम रेडी हो गया है, प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपकी सारी चीजें रेडी हो गई कि सुपरबग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टेटमेंट में पूछ ले या आपसे वैसे भी पूछ ले, आप आराम से बता सकते हैं। तो मैंने इसको प्री एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनर में मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।